दिवाली में रिलीज हुई साउथ स्टार विजय की फिल्म मर्सेल विवादों के गलियारों से निकलने का नाम नहीं ले रही। 18 अक्टूबर को रिलीज हुई ये फिल्म पहले जीएसटी और डिजिटल इंडिया पर तानाज़ के चलते विवादों में फंसी थी। जानिए ताज़ा झमेला क्या है। तमिल के साथ साथ फिल्म तेलुगु में भी उसी वक्त रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब तेलुगु वर्जन अधिरंधी को सेंसर बोर्ड से अब तक सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है। यही वजह है कि फिल्म अपनी पूर्व निर्धारित तारीख 27 अक्टूबर को रिलीज नहीं हो पाएगी। मशहूर ट्रेड एनालिस्ट और फिल्म क्रिटिक श्रीधर पिल्लई ने इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए ट्वीट किया कि मर्सेल अभी भी विवादों से नहीं निकल पाई। तेलुगु वर्जन अब भी सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट के इंतजार में है। अधिरंधी कल रिलीज हो पाएगी या नहीं ये तो कल ही पता चलेगा। बता दें कि यह फिल्म सरकार के जीएसटी और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं पर आलोचनात्मक टिप्पणियों के कारण सुर्खियों में है। दरअसल तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष तमिलसाई सुंदरराजन ने फिल्म के कुछ सीन्स पर आपत्ति जताई थी। हालांकि रजनीकांत, कमल हासन जैसे कई सितारे फिल्म के समर्थन में खड़े हैं। विवाद भी इस फिल्म के लिए सकारात्मक ही रहा। इतने कम दिनों में ही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 150 करोड़ पार हो चुका है और फिल्म तेजी से 200 करोड़ के आंकड़े को छूने के करीब है।